दोस्तों भारत की तीन प्रमुख एजेंसियां पहले ही सुशांत सिंह राजपूत के केस में काम कर रही हैं, वो कौन कौन सी है? ईडी, एनसीबी और सीबीआई। अब चौथी की एंट्री होने वाली है जिसका नाम है एनआईए। अब एनआईए का आखिर क्या काम रहता है वो मैं आपको बता दूं कि एनआईए टेररिज्म जो रहता है पूरे कंट्री में, जो अपने टेररिज्म होता है उसके ऊपर नजर रखती है, उसको रोकने का काम करती है। इसके ज्यूरिडिक्शन में जैसे कि साइबर टेररिज्म आ जाता है, काउंटरफिट नोट्स आ जाते हैं जैसे जाली नोट्स हो गए, और ह्यूमन ट्रैफिकिंग आ जाता है। तो ये तीन चीजें इसके ज्यूरिडिक्शन में आती है और इस पे ये नजर रखती है और इसको सॉल्व करती है। देखो 2008 के बाद एनआईए की स्थापना हुई थी, तो उसके बाद इस एनआईए का गठन किया गया था कि कैसे ये टेररिज्म को रोकने में स्पेशल ये टीम होती है जो इसी चीज पे काम करती है। अब सुशांत सिंह राजपूत के केस में आखिर क्यों इसकी एंट्री हो रही है, समझने का विषय है दोस्तों कि कैसे यहां पे स्मार्टली खेला गया है और सुशांत सिंह राजपूत के केस में इसको जोड़ा गया है। तो मैं आपको बता दूं कि नार्कोटिक्स ये जो पूरा एक नया चल के आया है कि सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु कैसे ड्रग एंगल की तरफ मूव हो गई है, कि कैसे बॉलीवुड के अंदर एक ड्रग माफिया रन कर रहा है, कैसे ये गलत तरीके से पूरा एक धंधा चला रहे हैं, और इसके ऊपर एनसीबी काम कर रही है और अब एनआईए की एंट्री जो होगी वो भी इसी विषय में काम करेगी कि कैसे ये एक जो पूरा माफिया चल रहा है कैसे ये टेररिज्म को सपोर्ट करते हैं। समझ लो आप कि टेररिज्म जो मुंबई में बॉलीवुड में है उसको रोकने के लिए एनआईए की एंट्री आ रही है, बट ड्रग्स को लेके कैसे, ये समझने वाला विषय है। तो अभी एक नया इन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है जिसके अंदर कहा है कि एनआईए अब ड्रग्स वाले चीजों को भी देखेगी, नार्कोटिक्स वाले चीजों को भी देखेगी। अब आप सोचोगे कि यार एकदम से ऐसा क्या हो जाता है कि स्पेशल इनको ऐसी पावर दे दी जाती है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा ये सिर्फ स्पेशली सुशांत सिंह राजपूत के केस में। ये जो अमित शाह जी यहाँ पे जो इतना स्मार्टली मूव कर रहे हैं ना, आपको समझना पड़ेगा दोस्तों कि कैसे एनसीबी को पहले लगा दिया जाता है पूरी इन्वेस्टिगेशन में कि जाके पूरा खदेड़ो। समझ लो आप, सीबीआई के पास ज्यादा कुछ नहीं था लेकिन एनसीबी की मदद से सीबीआई को बहुत मदद मिली, और अब एनआईए के आने से इस केस में और पावर आएगी। अब मैं आपको बताता हूं, देखो दोस्तों अगर आपको ध्यान हो चाइल्ड ट्रैफिकिंग का मुद्दा बहुत चल रहा है, समझ में आ रहा है आपको चाइल्ड ट्रैफिकिंग कैसे बॉलीवुड में बहुत ज्यादा चल रहा है, और इसके विषय में अपन ने पहले बात भी की है। स्टीव पिंटो ने हिंट किया था कैसे उद्धव सरकार एक चाइल्ड ट्रैफिकिंग गिरोह चलाती है, कैसे वहां की एनजीओ ये सारी चीजों का काम करती है। बिल्कुल ये चीजों को लेके एनआईए भी काम करती है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो होती है, लेकिन विषय ये है कि ये इतना बड़ा मुद्दा नहीं है। आप समझ लो ये इतना ज्यादा लाइमलाइट में नहीं है, डायरेक्ट अगर प्रहार कर देता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग को लेके अगर सेंट्रल भेजता, तो यहां पे उद्धव सरकार के पास एक विक्टिम कार्ड हो जाता कि हमारी सरकार को गिराने के लिए चीज की जा रही है, और ये एक अपना अलग ही एंगल देते। लेकिन अभी आपको पता है कि ड्रग एंगल चल रहा है और उसके थ्रू ये यहां पे एंट्री मारेंगे और केस निकालेंगे चाइल्ड ट्रैफिकिंग का, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का, जो एक बहुत ही गहन मुद्दा है। आप समझो जिसके लिए अपन इंसाफ की मांग कर रहे थे कि ये चीज को नजरअंदाज किया जा रहा है, कैसे फार्म हाउस में ट्रैफिकिंग हो रही थी और दिशा सल्यान को मार दिया जाता है, फिर सुशांत सिंह राजपूत को मार दिया जाता है। यानी कि सेंट्रल ने बहुत स्मार्टली मूव किया यहां पे दोस्तों, समझना पड़ेगा और तारीफ करनी पड़ेगी सेंट्रल के स्मार्ट मूव की। अपन बोलते तो बहुत हैं कि आखिर इतना टाइम क्यों लग रहा है, तो इस चीज को दोस्तों करीब से समझना पड़ेगा कि ये जो चक्रव्यूह तैयार किया जा रहा है ना सेंट्रल के द्वारा कि कैसे फंसाया जाए इन कातिलों को, ये बहुत सही है और तारीफ के काबिल है। तो यार दोस्तों मैं आपको यही अपडेट देना चाह रहा था कि अब चौथी एजेंसी की एंट्री हो रही है और ये भारत का पहला ऐसा केस होगा जिसमें भारत की प्रमुख चार एजेंसियां इन्वेस्टिगेशन करेंगी। दोस्तों मुझे नहीं लगता है कि सुशांत सिंह राजपूत को न्याय मिलने से कोई रोक भी सकता है अब, क्योंकि न्याय जरूर मिलेगा। ये भारत के उन 133 करोड़ लोगों का प्यार है जो आज सुशांत सिंह राजपूत के साथ खड़े हैं, और आज सुशांत सिंह राजपूत के लिए चौथी एजेंसी भी आ रही है और इन्वेस्टिगेशन करेगी। और ये जो चाइल्ड ट्रैफिकिंग का जो पूरा मुद्दा है, जो कहा जा रहा है दूसरी किस व्यक्ति की मौत है, ये अब गुत्थी सुलझेगी। इस वीडियो में इतना ही है, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप मेरे को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, OSKD मेरा यूजर नेम है। जय हिंद।